सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेहतर समझो। मैं आपका होस्ट इमरान अहमद। दोस्तों, मैं आज आया हूँ, ये बिशनपुर बिश्राम है जो कि डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में पड़ता है और यह राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिशनपुर बिश्राम है। यहाँ पर लोग आते हैं ITI करने के लिए और काफ़ी दूर दूर के साथ छात्र आते हैं। तो फिलहाल आज साथ छात्र दिखाई नहीं देते हैं, वरना था मैं उनसे पूछता और बताते वो लोग कि वो कहाँ से आए हैं यहाँ पर ITI करने के लिए। तो इसके मतलब जो ये बिशनपुर बिश्राम का चौराहा है, ये पूरा देख सकते हैं। अभी मैं बैक कैमरे से दिखाऊं, उससे पहले मैं चल रहा हूँ अंदर और दिखा रहा हूँ आप लोगों को यहाँ का मतलब कि किस तरीके से बनाया गया है, कितना खूबसूरत बना है। ये पूरा व्यू दिखाएंगे आप लोगों को, तो चलते हैं देख। ये बलरामपुर का सबसे पुराना ITI है और यहाँ पर लोग आते हैं एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा ये बना है और काफ़ी खूबसूरत व्यू है। और ये जस्ट ये पचपड़वा के रूट चंदनपुर मार्ग पर स्थित है, ये बिशनपुर बिश्राम वहीं पर ये बनाया गया है। और यहाँ पर काफ़ी दूर के बच्चे भी आते हैं पढ़ने के लिए। ये अंदर का सीन, ये सूचना पट है और ये कार्यालय है, ये प्रिंसिपल रूम है, जो कुछ है सब काफ़ी अच्छा ही बना है। अभी मैं बाहर के साइड निकलूँगा तो दिखाऊँगा यहाँ का स्पेस की कितना ही ज़्यादा जगह है यहाँ पर। यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेटर भी रखा हुआ है और लाइट की यहाँ पर कमी नहीं होती, इसलिए सोलर पैनल हर जगह पे लगा हुआ है। और ये टंकी काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है जो कि पानी आसानी से लोगों को मिल सके। और यहाँ पर लैब भी काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत बने हैं, कमरे भी काफ़ी खूबसूरत बने हैं। ये लैब है और इसी जस्ट बगल में रूम भी है, तो अभी रूम में दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं ये पूरा लैब है और इसके जस्ट बगल में ये जो काम चल रहा है उसके बगल में पढ़ाई होती है। यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और गोंडा, गोरखपुर, कानपुर के भी बच्चे यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए। तो काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी बड़ा ये ITI बनाया गया है इस बिशनपुर बिश्राम में। और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो 200 मीटर के अंदर बनाई गई, ये सब चीज़ें भी दिखाएंगे। फिलहाल इसी में पढ़ाई होती है और इसके आगे ये जो रास्ता जा रहा है उधर छात्रावास बना है, लोग यहाँ पर रहकर भी पढ़ते हैं। और ये बिशनपुर चौराहे पर ही जस्ट बगल में स्थित है और इसी बगल में ये, फिलहाल मैं निकल रहा हूँ अब बाहर के साइड और दिखा रहा हूँ। किसी लड़के से मैं कुछ जानूंगा कि वो कहाँ से हैं और कहाँ आए हैं पढ़ने के लिए, ये पूरा उनसे जानकारी लेंगे और क्या कर रहे हैं। तो चलते हैं, किसी से पहले मुलाकात करते हैं और कुछ बातें करते हैं यहाँ के बारे में जो कि वो अभी बताएंगे। तो ये रहे आ रहे हैं भाई, इन्हीं से मैं बात करूँगा। तो ये एक स्टूडेंट है यहाँ के इस राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिशनपुर बिश्राम में, ये आए हैं तालीम हासिल करने के लिए। आप यहाँ से क्या कर रहे हैं? इधर देखिए, कोपा कर रहे हैं, यहाँ से कोपा कर रहे हैं। कितने सालों से कर रहे हैं भाई? फर्स्ट, ये फर्स्ट ईयर है। तो भाई से बात करके अच्छा लगा, हाय बोल दीजिए आप। ठीक है भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? बलरामपुर से। बलरामपुर से आए यहाँ पर ITI करने के लिए आए? ठीक है भाई, अच्छा भाई। तो आपने देखा कि दो लोगों से मैंने बात किया, ये एक बलरामपुर से आए हुए हैं और एक बताए हैं जैतापुर। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं यहाँ का व्यू और जानते हैं। तो दोस्तों, इस ITI से मैं बाहर निकल चुका हूँ और ये बिशनपुर बिश्राम का चौराहा है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी दुकानें हैं, होटल है, फोटोकॉपी करने के लिए दुकानें हैं, रहने के लिए भी आप यहाँ पर रह सकते हैं किराए पर लेकर। बहुत चीज़ की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। दोस्तों, चंदनपुर मार्ग पर ये स्थित है जो कि पचपड़वा से होते हुए जाता है। लोग आने के लिए जीप आदि से भी यहाँ पर आ सकते हैं, वैसे बस भी चल रही है इस रास्ते पर। तो ये जीप से अभी स्टूडेंट उतरे हैं इसी ITI के लिए, अभी इसी में जाएंगे। फिलहाल आगे मैं निकल रहा हूँ अब और आप लोगों को यहाँ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सा केंद्र और यहाँ की कुछ स्कूलें बनी है जो कि इसी 200 मीटर के दायरे में बहुत सी चीज़ें भरकर सरकार ने यहाँ पर सेवाएँ दी है, तो उसको भी मैं दिखा दूँ आप लोगों को। फिलहाल मैं इसी चौराहे पर हूँ, अब इस चौराहे से थोड़ा सा मैं आगे निकल रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर होटल है, लोग चाय भी पी सकते हैं, फोटो कापी करने की दुकानें हैं। तो फिलहाल मैं चल रहा हूँ सबसे पहले जहाँ ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, थारू विकास परियोजना लिखा हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो मैं चल रहा हूँ अंदर। तो मैं इसी बिशनपुर बिश्राम में हूँ और जस्ट ये 100 मीटर की दूरी पर जो मैंने ITI दिखाया है वहाँ के 100 मीटर दूरी पर ये यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पड़ता है।
अभी मैं दिखा रहा हूँ, पशु चिकित्सा केंद्र भी है, तो ये काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर काफ़ी स्कूलें भी हैं, अभी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों, तो पहले ये दिखा देता हूँ। तो मैं पहुँच चुका हूँ, ये बिशुनपुर विश्राम का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और इधर पशु चिकित्सा केंद्र है, तो काफ़ी अच्छा है। चलते हैं आगे और दिखाते हैं यहाँ की स्कूल है। तो दोस्तों, इसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने जस्ट ये स्कूल बना हुआ, जो काफ़ी तादाद में छात्र आते हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए। आप साइकिल देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तादाद में। तो आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।